आइए चलते हैं फिर आज एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों को एरोप्लेन की तरह उड़ाते हैं। मतलब कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से जितनी स्पीड से एरोप्लेन उड़ती है उसी स्पीड से हम क्वेश्चन के आंसरों को उसी स्पीड से निकालेंगे। तो आइए फिर एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चनों को वही पी वाई क्यू क्वेश्चन रहेंगे आपके समक्ष, और पी वाई क्यू क्वेश्चन रहने के साथ साथ मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ मेरी ओर से भी क्वेश्चन डाले हैं। तो आइए पी वाई क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, और वो ही कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ को, एलसीएम और एचसीएफ को। तो सबसे पहली बात तो हम एलसीएम को समझते हैं, सबसे पहली बात तो हम एलसीएम को समझते हैं, फिर समझेंगे हम एचसीएफ को। तो एलसीएम आपने पढ़ रखा होगा, एचसीएफ भी पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया होगा, अर्थात उनको एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। तो मैं पहले जीरो से बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एलसीएम एचसीएफ का, और वही कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि 20 और 15 है, 20 और 15 है, इसका एलसीएम क्या है, तो सबसे कॉमन मल्टीपल चाहिए, सबसे कॉमन मल्टीपल चाहिए, लेकिन कैसा, सबसे छोटा। जैसे कि अगर मैं 20 का पहाड़ा पढ़ते जाऊंगा, 20 दूने 40, 15 दूने 30, 20 तिया 60, 15 तिया 45, 20 चुके 80, 15 चुके 60, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो 60 है दोनों में कॉमन मिल गया है, दोनों में कॉमन मिल गया, अर्थात यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अर्थात 20 में भी 60 मिल गया, 15 में भी 60 मिल गया, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया। 15 का मल्टीपल 60, वहीं 20 का मल्टीपल भी 60 होता है, अर्थात हमारा 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। इसी को कहते हैं लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा। इससे पहले कोई भी मल्टीपल हमें कॉमन नहीं मिला था, अर्थात सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिला उसी को ही हमने बोल दिया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात एलसीएम। अगर एचसीएफ की मैं बात करता हूँ, एचसीएफ की बात करता हूँ, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और एलसीएम की भी मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने क्या बोला था, 20 और 15 बोला था, इसका एलसीएम कितना था, 60 था। तो एलसीएम 60 है, अब इस एलसीएम में इस नंबर का भी भाग जाना चाहिए और एलसीएम में इस नंबर का भी भाग जाना चाहिए, सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल देखना होगा आपको, वही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था 20 और 15 का एलसीएम क्या आया था, आपने बोला भाई 60 आया था। तो एचसीएफ भाई 20 और 15 का एचसीएफ क्या होता है, 20 और 15 का एचसीएफ, मैं एचसीएफ का एलसीएम का बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 20 और 15 का एचसीएफ चाहिए, तो 20 और 15 का एचसीएफ ऐसा होगा कि जो एक ऐसा नंबर होगा सबसे बड़ा, जैसे कि एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसके मैं फैक्टर करूंगा, इसके मैं फैक्टर करूंगा, तो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग 20 में भी चला जाए, जिसका भाग 15 में भी चला जाए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 5 इंटू कितने होंगे, 4, और यहाँ पर 5 इंटू कितने होंगे, 3, तो इसमें सबसे बड़ा 5 दिखा, इसमें भी सबसे बड़ा क्या दिखा, 5, अर्थात एचसीएफ इसका क्या हो गया, 5 हो गया। तो सबसे बड़ा फैक्टर 20 का भी है 5 और 15 का भी है 5, यानी कि इस एचसीएफ का भाग इस नंबर में भी जाना चाहिए और एचसीएफ का भाग इस नंबर में भी जाना चाहिए, और जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए ये, वही कहलाता है एचसीएफ। अभी हम मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम कर रहे हैं पी वाई क्यू के क्वेश्चनों को की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पी वाई
वाई क्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। जब हम बिल्कुल टॉपिक को देखेंगे, ये भी पी वाई क्यू टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी चैप्टर को करेंगे, तो बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से तो हाईएस्ट एडवांस लेवल तक हमको चलना होगा, वो हम प्रैक्टिस करेंगे अलग टाइम पर। लेकिन अभी हमारा क्या है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसके कारण हमें पी वाई क्यू की भी प्रैक्टिस करनी है, और जिसके बाद हमें बहुत एडवांस लेवल पर स्पीड लाना है, क्योंकि इस बार हमारी एसएससी ने क्या रख दिया, एक घंटे का टाइम रख दिया है, और साथ साथ 1/2 की माइनस मार्किंग भी रख दी है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, तो मैंने आपको HCF और LCM को समझा दिया है कि किस प्रकार से LCM निकालते हैं, किस प्रकार से HCF निकालते हैं, और मैं आगे आपको बता दूं कि LCM और किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहली बात तो LCM निकालना मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि LCM कैसे निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर HCF और N2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका LCM, तो आपने देखा कि LCM कैसे निकला है, LCM निकला है HCF और से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब ये से अभाज्य संख्याएं कौन सी भला है, आप बोलोगे भाई ये से अभाज्य संख्याएं होती क्या है, तो मैं बात करता हूँ जिनमें कोई कॉमन ना हो। जैसे कि आपसे बात करूँ कि 2 और 3 क्या है, से अभाज्य संख्या, 3 और 4 क्या है, से अभाज्य संख्या। लगातार 2 संख्याएँ क्या होती है, से अभाज्य संख्याएँ कहलाती है। लगातार 2 संख्याएँ क्या कहलाती है, से अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि सीधा सट आपको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि से अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, कि इन दोनों नंबर में किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, एक और स्वयं को छोड़ करके। जैसे कि 2 और 3 क्या है, से अभाज्य संख्या। यहीं 6 और 9 से अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 को भी 3 काटता है और 9 को भी 3 काटता है, इसलिए ये 6 और 9 क्या नहीं है, से अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार 7 और 21 ये भी क्या नहीं है, से अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 7 से 7 कैंसिल होते हैं और 21 से भी 7 कैंसिल होते हैं। अर्थात मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्या है, ये भी से अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि अगर मैं 3 और 11 की बात करता हूँ तो ये से अभाज्य संख्या है, 5 और 9 की बात करता हूँ तो ये से अभाज्य संख्या, क्योंकि इनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, से अभाज्य संख्याएँ हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ से अभाज्य संख्याओं की, तो से अभाज्य संख्याएँ संख्याओं का गुणनफल और इनटू में क्या है, HCF बराबर LCM हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि 20 और 15 का क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM। तो मैंने अभी देखा LCM कैसे निकलता है। अब देखो ध्यानपूर्वक, अगर मैं किसी भी नंबर से HCF निकाल लेता हूँ, तो वो संख्याएँ से अभाज्य संख्याएँ बच जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि इसका और इसका HCF कितना है, तो आप बोलोगे 20 और 15 का HCF कितना है, 5। मैं HCF निकालने का तरीका अलग से बताऊंगा और बहुत यूनिक तरीका बताऊंगा। तो HCF कितना है, 5, तो 5 का भाग किस में जाएगा, 20 में, तो क्या बचेगा, वो 4। 5 का भाग किस में जाएगा, 15 में, तो क्या बचेगा, 3। अब आप मुझे बताओ कि जब 20 में से मैंने HCF निकाल लिया है तो कितना बचा, 4। 15 में से मैंने HCF निकाल लिया, कितना बचा, 3। क्या आप मुझे बताओ अब ये से अभाज्य संख्या नहीं है क्या, आप बोलोगे जी बिल्कुल से अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही से अभाज्य संख्याएं गुणा कर करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं कि 4 × 3 और HCF कितना है, 5, बराबर हो जाता है LCM। तो 4 × 3 = 12, 5 = 60, तो 20 और 15 का LCM क्या हो गया, 60। तो मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको बहुत काम आना है और आपको बहुत ये ध्यानपूर्वक समझना होगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये वैल्यू को समझना होगा। तो ये वैल्यू हमने देखी है, जैसे कि आगे और बात कर लेते हैं आगे, तो ये आपको नोट करना है
ये आपको नोट करना है, HCF इंटू संयोजी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM। तो आगे देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं आगे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब मैं आपको साथ साथ HCF निकालना भी सिखाऊंगा, साथ साथ आपको HCF निकालना भी सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मत सोचना कि ये बिल्कुल कितने इजी तरीके से बता रहे हैं, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना वो बिल्कुल सीधा जा करके क्या लगेगा, क्वेश्चन में आपको लगा देना है और आंसर को आपको बहुत जल्दी से ले लेना है। जैसे कि 25 और 35 का आपको क्या बताना है, LCM भी बताना है और HCF भी बताना है, LCM भी बताना है और HCF भी बताना है। तो मैंने ये बोला कि HCF कैसे निकालें, सबसे पहली बात तो हम HCF निकालने के तरीके को देख लेते हैं। हमने ये बोला कि HCF आप देखो, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर देखो, जब इन दोनों का अंतर आप देखने लग रहे होंगे, 25 और 35 का अंतर कितना है, 10 का, कितना है, 10 का अंतर है। तो आप बोलोगे भाई या तो हमारा HCF 10 हो सकता है, लेकिन एक बार 10 का भाग आप दे करके देख लो, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब फिर इसका फैक्टर करो आप, तो 2 × 5 करोगे आप, क्या करोगे, 2 × 5, क्या 5 का भाग जा रहा है 25 में जा रहा है, 5 का भाग 35 में जा रहा है, इसका मतलब दोनों में गया, यही तो हमारा HCF हो गया, इसका मतलब HCF कितना आया आपका, 5 आया, HCF कितना आया, 5 आया। तो HCF निकालने का तरीका, दोनों का अंतर, अगर दोनों का अंतर से भाग चला जाए तो वही सबसे बड़ा HCF होता है, अगर नहीं गया तो उसके फैक्टर करके आपको देखना पड़ेगा। अब और आगे देख लेते हो, HCF हमने निकालने का तरीका देखा, मैं और आगे भी आपको इससे अच्छे तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊँगा और बेहतर प्रैक्टिस आपको करवाने की कोशिश मैं करूँगा। तो HCF हो गया, LCM कब निकलता है कि HCF तो हमारा हो गया, तो ये HCF को मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पर HCF को क्या लिख लेता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ, ये HCF है और ये LCM है, क्या है, ये LCM है। तो HCF कितना निकला हमारा, LCM निकला भैया, HCF निकला 5, कितना निकला, 5, और आपको पता है कि HCF इंटू से अभाज्य संख्या, इंटू से अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, गुणनफल, ठीक है। अब आप देखो कि इस HCF से मैं इसमें भाग दूंगा, तो 5, 5, 25 और 5, 7, 35, अब ये जो संख्याएं बची है वो से अभाज्य संख्याएं बची है, यानी कि 5 HCF हो गया हमारा और 5 × क्या करना है, 7, और बराबर क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 5, 25 और 25, 7, 175 होते हैं, अर्थात LCM भी कितना हो गया, 175 हो गया, कितना हो गया, 175 हो गया। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। और आगे हम बात कर लेते हैं, और कौन कौन से नंबरों का LCM HCF निकालते हैं हम, मैं बात करता हूँ यहाँ पर 24 का और 36 का LCM HCF दोनों निकालो, 24 का और 36 का LCM HCF दोनों निकालो। तो सबसे पहली बात तो मैं निकालूंगा HCF, 24 और 36 में कितने का अंतर है, 12 का, क्या 12 का भाग जा रहा है 24 में, बिल्कुल जा रहा है, क्या 12 का भाग 36 में जा रहा है, जा रहा है, दोनों में चला गया, अर्थात HCF आपका कितना हो गया, 12। जब मैं 12 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 12 × 2 = 24, जब मैं 12 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 12 × 3 = 36, ये आपकी से अभाज्य संख्या निकल के आ गई है, ये आपकी से अभाज्य संख्या निकल के आ गई, अर्थात इनका ही क्या करना है, गुणा करना है, अर्थात इनका ही क्या करना है, गुणा। तो 12 × 2 = 24 कितने हो गए, 72, अर्थात 24 और 36 का LCM कितना, 72, 24 और 36 का HCF कितना, 12। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ LCM किस प्रकार से निकालते हैं, HCF इंटू से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM हो जाता है। ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, ये तरीका अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी समस्याएं आपको हो सकती है। और आगे बात करें, मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और आगे बात करें हम, अभी आप बोलोगे कि आप 2 नंबर के ही क्यों करवा रहे हो, भाई मैं 3 नंबर के भी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, 4 नंबर, 5 नंबर सब की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, थोड़ी सी और बात देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 42 कितने हैं, 42 और कितने, 63, तो इनका LCM भी निकालना है और इसका HCF भी निकालना है। तो इनका सबसे पहली बात तो अंतर जान लेते हैं, इनका
अंतर जान लेते हैं। तो इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर है आपका 21 का। कितने का है, 21 का है। तो या तो आप देख लो कि एक तो 21 का ही क्या होगा, मल्टीपल होगा। 21 दूने 42, 21 दिया 63, अर्थात हमारा HCF क्या निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया। आप देखो कि भैया 21 का जब भाग दे दोगे तो 21 दूने 42, 21 दिया 63, अर्थात से आबाजी संख्याएँ क्या है आपकी, 2 और 3। तो 2 × 3 क्या बन जाता है, LCM बन जाता है। तो आप देखो कि 21 या 63 और 63 दोनों होंगे 126, 63 दोनों होंगे 126। तो LCM यहाँ क्या निकल के आया आपका, 126। तो आप ये देख सकते हो कि हमने LCM और HCF निकालने का तरीका बिल्कुल आसानी से देख लिया है। और आगे एक तो कॉन्सेप्ट ये वाला, और आगे बात करते और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जान लेने की आवश्यकता है LCM HCF में, जो कि हमें PYQ में बहुत ही हेल्प करेंगे वो तरीके। और तरीका देखो, और तरीका ये होता है कि LCM इंटू HCF बराबर LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये आपको कॉन्सेप्ट जान लेने की आवश्यकता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। और हम बात कर लेते हैं आगे, और हम बात कर लेते हैं और क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं और आगे बात करता हूँ तो ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक तरीका तो कि HCF और से आबाजी संख्याओं का गुणनफल, से आबाजी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, LCM होता है। एक ये तरीका मैंने बताया और एक ये तरीका मैंने बताया। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कितने कॉन्सेप्ट बताए, मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए। ध्यान समझने की कोशिश में रहना आप। अब क्वेश्चन पर डायरेक्टली PYQ पर बढ़ते हैं, PYQ पर बढ़ते हैं। PYQ पर क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा, मैं आपको स्क्रीन के सामने ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है 779 और 943 यानी कि 779, 943 और 123 का क्या बताना है आपको, LCM बताना है। बताने में तो मैं डायरेक्टली आपको बता भी दूंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम अभी सोल्व कैसे करेंगे और एग्ज़ाम में सोल्व कैसे करना है, ये तरीका आपको बताऊंगा। जैसे कि हमें दिया क्या है, 779 एक ये नंबर दिया है, और दूसरा नंबर क्या दिया है, 943, और तीसरा नंबर क्या दिया है, 123। ये तीन नंबर आपको दिए है, ये तीन नंबर आपको दिए हैं। तो इनका क्या बताना है आपको, LCM बताना है। क्या बताना है, LCM बताना है आपको। तो देख लेते हैं भाई LCM हम किस प्रकार से। तो अब मैं इस क्वेश्चन में आपको LCM निकालने का तरीका बता रहा हूँ, LCM निकालने का बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप नॉर्मली ही क्या करते हो, नॉर्मली आप क्या करते हो, 779 और 943, 943 और 123 इसका क्या ले लेते हो, ये लघुत्तम लेने लगते हो आप इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से तो हम भाई 8th 9th 10th से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर वही तरीका अगर कर पाओगे तो आप में ये मान के चलना कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और ये बदलाव अगर करना है तो आपको यूनिक तरीके आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत यूनिक तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 123 जो है 41 × 3 है, 41 × 3 है, 41 × 3 ये क्या हो गया, 123 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 143 का क्या होगा, 41 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ होगा 41 × 23। तो यहाँ पर 41 × 23 करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, 41 × 23 करने पर 943 आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 41 × 19 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से देख लेने की आवश्यकता है। अब आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि यहाँ पर 41 सब में कॉमन क्या है, 41। तो यानी कि 41 क्या है, यहाँ पर HCF हो गया, यहाँ पर 41 क्या हो गया, HCF हो गया, अर्थात HCF हो गया। तो हमें निकालना है
क्या एलसीएम, तो बचा क्या 19, बचा क्या 23, बचा क्या 3, तो क्या ये अपने आप में शेयरबाजी संख्या है, ये अपने आप में शेयरबाजी संख्या, सारी की सारी अपने आप में क्या है, शेयरबाजी संख्या है, यानी कि इनका मल्टीपल कर दो आप तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप इनका इंटू कर लोगे तो क्या निकाल लोगे, भाई आप एलसीएम निकाल लोगे, इनका इंटू करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। लेकिन भाई आपसे वो ये थोड़ी ना चाह रहा है कि आप सबका इंटू करके मुझे तो आप बताओ पूरी की पूरी संख्या बताओ क्या आने वाली है आपसे, भाई वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपने वो तरीके याद करे या नहीं करे, उस पर प्रैक्टिस की या नहीं की है कि भाई इस क्वेश्चन को ओनली ऑन 5 सेकंड के अंदर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ अब यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की, मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट सबकी क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को ही लूँगा, लास्ट डिजिट को ही लूँगा। यहाँ की 9 उठा ली मैंने, यहाँ की 3 उठा ली और यहाँ की भी 3 उठा ली, तो 3 3 9, 9 1 9, तो यानी कि 9 का इंटू 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 81, और लास्ट में 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, पहला नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 यहाँ पर आपको दिख रहा है लास्ट डिजिट, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 41 19 23 जब 3 का इंटू करोगे आप तो क्या मिलेगा, 53 75 1 मिलेगा, यही क्या होता है, एलसीएम होता है, यही क्या होता है, एलसीएम होता है। और आगे अगर यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि इसको और किस प्रकार से, यही अगर पेपर में करते हम, पेपर में करते तो किस प्रकार से करते, पेपर में करते तो किस प्रकार से करते, तो पेपर में करने का तरीका ये है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है ना आपको, ये दिया है प्राइम फैक्टर के, मतलब प्राइम नंबर की जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना उस पर आधारित दिया है, तो मैं जल्द ही प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी भी आपके समक्ष पेश कर दूंगा और उसको देखने के बाद आपकी स्पीड और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और क्वेश्चन और जल्दी कर पाओगे आप। तो मैंने देखा कि 123 में क्या है, 123 में 41 3 है, तो भैया एक 41 3 होने के कारण क्या हो गया, 41 3, अब इसमें 3 है कि नहीं है, आप बोलोगे जी हाँ 3 है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि डिजिट सम 3 6 9 हो जाए, तो मैं सबकी काउंट कर लेता हूँ, 4 3 7 और 8 15 15 5 20 और 20 3 23, तो 23 का डिजिट सम कितना हुआ, 3 और 2 5, अर्थात मतलब ये इसका डिजिट सम कितना है, 5 है। अब इसको देखते हैं, 7 और 1 8 8 और 7 15 15 और 1 16, 9 को काउंट करते नहीं है, अब 16 का डिजिट सम कितना, 6 और 1 7, इसका मतलब 5 इसका 7 है। और आगे चेक कर लेते हैं, 6 8 और 6 14 14 और 6 20, 20 और 1 21 21 और 7 कितने हो गए, 28, और 28 का 8 और 2 10, यानी कि 1 डिजिट सम है, इसका 5 इसका 7 इसका 1। अब ये ऑप्शन बचा है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी आप लगा दो फटाक से, ये तरीका होता है एग्ज़ाम में सॉल्व करने का, आप नहीं तो उस तरीके से करते रहो, आप उसको 1 मिनट के अंदर करोगे, लेकिन कोई अगर इस वीडियो को देख के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा ना तो वो कर देगा ओनली ऑन 5 से 7 सेकंड में। अब आप मुझे बताओ कि इसने टाइम टेकन किया कि इसने टाइम टेकन किया, भाई कॉन्सेप्ट में दम होनी चाहिए आपकी, टाइम तो अपने आप टेकन हो जाता है, टाइम तो अपने आप कम लगने लगता है, आप टाइम कम लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नए नए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, घिसे पिटे तरीके से आप इस 1 घंटे में 80 क्वेश्चनों को नहीं सोल्व कर पाओगे आप, अगर आप सॉरी तो आप देखो, तो इसलिए हमें नए नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है सीखने के लिए, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको रेस में अगर सबसे फर्स्ट आना है तो आपको या तो आपकी रेस के लिए प्रैक्टिस आपको करना होगा, या फिर रेस का आपको यूनिक तरीका होना चाहिए कि किस प्रकार से मुझे कदम रखना है मैदान में, तो उसी प्रकार से आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी उतने ही आपके इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट आपकी प्रैक्टिस है। तो कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करो और टाइम को आप बचाओ और वो टाइम आप दूसरी जगह पर लगाओ।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो इसके दो तरीके और बता सकता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो इसका जो इसका आंसर है ये वाला है, इसका आंसर क्या है ये वाला है, ठीक है ना। मैंने जो बोला वो ही वाला। अब आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। जब इसका एलसीएम निकालना है तो इसका भी एलसीएम बहुत बेस्ट तरीके से निकालेंगे। 120, 140, 160 का एलसीएम निकालना है। 120, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर होल है ही नहीं। किसकी होल नहीं है कि आप क्या करो, आप करो भाई सोल्व करो, इसकी होल है ही नहीं यहाँ पर। देखो 120, 140 आवश्यकता ही नहीं है। किसकी किसकी आवश्यकता नहीं है कि पूरा सोल्व करने की। आप तो मुझे ये बताओ ध्यानपूर्वक देखो कि जैसे कि 12 है, ये 120 है, 120 में क्या मौजूद है, तीन मौजूद है, क्योंकि 120 यानी 40 इंटू तीन होते हैं, 40 इंटू क्या होते हैं, तीन होते हैं। तो आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक, 40 इंटू तीन, तो तीन का डिजिट सम क्या, 3, 6, 9। तीन का डिजिट सम कितना, 3, 6, 9। आप मुझे बताओ 6 और 5, 11 और 2 कितने होते हैं, 13। और 13 का डिजिट सम कितना होता है, 4 होता है। अर्थात मतलब इसका डिजिट सम कितना, 4। 6 और 3, 9, मतलब 9 खत्म होगा। इसका डिजिट सम कितना है, 2, दूसरे ऑप्शन का। 6 और 1, 7, 7 और 3, 10, अर्थात इसका डिजिट सम कितना, 1। 6, 3, 9 और 3, 12 का डिजिट सम कितना है, 3। आप मुझे बताओ डिजिट सम तो इसी ने दिया, चौथे ऑप्शन ने, कौन सा डिजिट सम दिया, 3 डिजिट सम दिया। और 3 से रूल क्या कहता है कि 3 से डिवाइड होने का रूल यही कहता है कि 3, 6, 9 डिजिट सम हो। देखा आपने कॉन्सेप्ट की लेवल क्या होती है, कॉन्सेप्ट की स्पीड क्या होती है। अब तो आप यकीन कर लो कि मैं मेरे मन से ना तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ ना मेरे मन से ऑप्शन बना रहा हूँ, तो आपको विश्वास करना ही होगा कि हमारे कॉन्सेप्ट में वाकई में दम है। अगर आपको तरीके से बहुत स्पीड के साथ पढ़ना है, बहुत स्पीड के साथ क्वेश्चन का आंसर लाना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सीखोगे, लेकिन आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होता जा रहा है। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टडी करने वाले हैं, अगर आज आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो कोई और दूसरा सीख रहा होगा और वो क्वेश्चन को बहुत स्पीड से बना जाएगा और आप टाइम टेकन नहीं कर पाओगे। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, SSGT में सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल लेना है, हमारी एक सीट पक्की है, बिल्कुल है। तो हमें 20 में से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में करना है और 20 में से 20 करना है, और वो भी कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ में आना ही पड़ेगा। जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आप उसको ले लो और उस पर प्रैक्टिस कर लो, आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे और 15 मिनट में होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि आपके समक्ष मैं कुछ प्रमाण लेके आ रहा हूँ, मैंने ऑप्शन नहीं बनाए, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को PYQ के। यही तो होती है कॉन्सेप्ट विद हम। अगर मेरी ओर से क्वेश्चन तो मैं बना के ले आता हूँ, मेरी ओर से क्वेश्चन बना के अगर मैं ये लेके आऊँगा तो आप बोल दोगे भाई आपके हिसाब से क्वेश्चन का फॉर्मेट जमा दिया, तो आप तो स्पीड में कर ही पाओगे, लेकिन मैंने तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं जमाया ना, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही होगा, सीखना ही होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। तब तक आप कमेंट्स में बताना कि इसका आंसर क्या है, तब तक आप कमेंट्स में बताना। इसका आंसर तो मैंने बता दिया, लेकिन इसका आंसर आप बताना। देखो इसका आंसर आप बताना कि ये देखो इसका आंसर क्या है, 3360 है इसका आंसर। अब इसका आंसर आप बताना, इसका आंसर आप बताना कि कौन सा इसका आंसर है। कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।